ओके एवरीबॉडी, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंग्लिश के ग्रामर का टच दिया था, जिसमें से आपने कुछ इनकरेक्ट टू करेक्ट सेंटेंसेस जो एक सामान्य बिंदु पे बात होती है उस पर हम लोगों की चर्चा थी, को किस प्रकार से आप उसको हैंडल करोगे, इन सब बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिफोर दिस लेक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ पैसेज पे, कुछ छोटे प्रयोगों पे बात की है और इंग्लिश टू हिंदी पैसेज पे मैंने चर्चा किया और उसका हिंदी रूपांतरण किया गया। ओके, तो मैंने जो डिस्कस किया आपसे कि कभी कभी से छोटे छोटे प्रयोगों को जब आपको जानकारी अब रहेगी तो ऐसी पोजीशन में आप, क्योंकि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसका तरीका जो है वो बहुत ही विविध प्रकार से है, क्योंकि हर प्रकार के सेंटेंस आपके बड़े पैसेज में रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को भी बढ़ना होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। अब फर्दर शब्दों का भी देखे, शब्दों का भी पॉइंट क्या है, जैसे फर्दर है और फर्दर है, अब इनके भी डिफरेंस को समझ लीजिए। अब जैसे फार्दर वर्ड है, अब सोच दोनों ये कहीं नहीं है, ये फार्दर है और एक वर्ड क्या है, फर्दर है, ये दूरी के लिए प्रकट करता है ये जो फार्दर वर्ड है, और फर्दर क्या है, आगे बढ़ने की इंग्लिश है। ओके, यानी जो फार्दर वर्ड है वो दूरी प्रकट करता है और फर्दर जो होता है वो आगे बढ़ने की इंग्लिश को मेंशन करता है। तो इस दोनों प्रकार के पोजीशन को ये समझना होगा, यू हैव टू थिंक वेरी एग्जैक्टली। तो इसको भी नोट कर लीजिए, जो भी शब्द लिखे जाए जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि शब्दों का भी एक आपके पास क्रम होता चला जाए, वर्ड पावर भी बेहतर बनता जाए। ओके, फर्दर दूरी प्रकट करने के लिए और फर्दर जो है वो आगे बढ़ने की इंग्लिश है, आगे बढ़ना। ओके, अब देखिए ये क्या सिंपल सा एक पैसेज मैं बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं, आप भी उसको नोट कर लें। इंग्लिश टू हिंदी है, ठीक, इंग्लिश टू हिंदी, यस। इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश, दोनों क्रम पे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसे सेंटेंस पैसेज है आपका, एवरीबडी नोज गांधी जी डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ, डिडेंट लिव फॉर हिमसेल्फ, एवरीबडी नोज दैट गांधी जी Did not live for himself। लिख पढ़ने में दिक्कत हो रही क्या, वो आज कर ले, शब्दों का क्रम मैं बोलता जाऊंगा। Everybody knows that गांधी जी did not live for himself। फुल स्टॉप वहाँ पे है, यानी एक पैसेज का टुकड़ा है उस पॉइंट पे। अभी हम इसका हिंदी रूपांतरण करते हुए चलेंगे उसी क्रम में। ओके, ही वाज वर्शिपर ऑफ पीस। ओके, ही इज रिगार्डेड, He is regarded as, वहां एज लिखा हुआ है, He is regarded as the national father of India, national father of India। Please stop। पैसे को देखते हुए क्रम में चलें। अब अभी बहुत बड़ा क्लासिक वाला पैसेज नहीं, मिलान से
उसको चूंकि लेवल पैसेज का ही वे रखे हैं, फिर क्रम के अनुसार उसको हम टॉपिक वाइज में विभाजित करते जाएंगे। अभी चूंकि ये चीजें आप इनसे आप रूबरू हैं, इनसे आप परिचित हैं, कहीं ना कहीं चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो ही वाज वर्शिपर ऑफ पीस, ही इज रिकॉर्डेड एज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया। अभी ही पे आगे स्पेसेज में ही डिड अलॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दलित्स। अब देखिए शब्दों का जैसे कुछ निश्चित वर्ड हैं जब उनको आप सीधे आप लिख सकते हैं, जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म के लिए कोई गार्ड वगैरह लिखने का हो सकता है, ब्रह्म को ब्रह्म भी लिख सकते हैं। अब जैसे दलित है तो दलित को दलित ही वर्ड लिख दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई उसका और वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जाति से शब्द है तो उसको उसी में कर सकते हो, ओके। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, यस यू कैन। इस तरीके से शब्दों को जैसे बीच में आते हैं तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वैसे थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतने से पहले हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, ओके। अब देखिए क्रम को, चूंकि आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ये पैसे जाएंगे, ये डेफिनेट प्रोसेस है, तो आपकी जो अप्रोच है, चूंकि मैंने बताया है आपको कि जो भाषाओं का क्रम है, किसी भी भाषा का किसी भाषा में अनुवाद करने के लिए उसके दोनों भाषाओं पे आपकी पैठ होनी चाहिए, आपकी जो अप्रोच हो मस्ट एब्सोल्युटली इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तब बढ़िया उसको आप करते हुए चलेंगे। अनडाउटेडली मतलब निसंदेह है, ओके। तो कभी कभी इस क्रम में जैसे जैसे आपकी अप्रोच बढ़ती जाएगी आप अपने अंदर उस प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। तो अब देखिए जैसे सेंटेंस यहाँ बना हुआ है, जैसे एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, एक बात आई। पहले शब्दों को देखें, गांधी जी, फिर इसके बाद क्या है, डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए अब एक वहां पे एक लंबा सा वर्ड बना, डिड लग गया, इसका मतलब कोई पास्ट का मसला है। अब देखिए एक ही सेंटेंस में यहां प्रेजेंट का मसला देख रहे हैं, बगल में पास्ट भी है, और इसको आप कह सकते हैं, जिसे डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ को हिंदी रूपांतरण करना हो तो डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने लिए, हर सेल्फ है तब भी अपने लिए, कोई लेडीज अगर है तो उसके लिए हर सेल्फ वर्ड होगा और जेंटलमैन है तो हिमसेल्फ हो गया है, और जितने सेल्फ हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हम ग्रामर का टच भी लेते हुए उसके मेंशन करते जाएंगे आपका। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोनाउन में क्या है, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं और इम्फैटिक प्रोनाउन भी हैं, ओके। अब देखो तब आप कैसे समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन का डिफरेंट क्या है, वैसे दोनों एक ही है, एक बात कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पे है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, एक ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूं, जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, देखिए सेंटेंस है, दो सेंटेंस बोलते हैं, अब इन दोनों में आप डिफरेंट अभी कर लेंगे, यू कैन फाइंड आउट।
इसमें रिफ्लेक्सिव कौन सा है और इम्फेटिक कौन सा है, जबकि दोनों को मैंने बताया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी है और इम्फेटिक भी है। जब सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब जो वर्ड है यस या माई सेल्फ, तो हो जाएगा इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन यस। और जो ये वाला पॉइंट है अब आप समझ गए होंगे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कॉमन बात थी, मैंने हल्का सा डिस्कस किया उस पॉइंट पे, ठीक। यानी जब सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब है, यानी दृढ़ता सूचक कहते हैं इसको। इतने ग्रामर में आपको नहीं जाना है, ये तो बात आई, मैंने हल्का सा टच कर दिया, हम आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि वहां हिमसेल्फ वर्ड था इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा जिक्र किया। तो डिड नॉट हिम लिव हिमसेल्फ की हिंदी है अपने लिए जीवित नहीं रहे, या जीवित नहीं थे। अब देखिए सेंटेंस जो है जब इसका अनुवाद बन रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गांधी जी अपने लिए जीवित नहीं रहे, ये बन रहा। लेकिन अब चूंकि अब आप गए तो डिड लगा हुआ है, भले और रहे लिखा जाए, अपने लिए जीवित नहीं रहे भाव पास्ट का है, ओके। इसलिए वो डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ का अनुवाद जो है जीवित नहीं थे न लिख करके जीवित नहीं रहे करेंगे। तो रहे का मतलब वहां कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो गया, ओके। ये भी बात आपको समझते हुए चलनी पड़ेगी, तो उसका अनुवाद कर ले, नोट कर ले। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, शीघ्रता से लिख लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गांधी जी, नोट कर लिए, अपने लिए जीवित नहीं रहे। क्लियर हुई बात, ओके, एकदम इजी वे में। अब आप देख रहे हैं इसमें प्रेजेंट का भी टच, ओके। इस प्रकार के जब सेंटेंस होंगे तो इस गतिविधि को ध्यान में रखें। क्लियर होगी बात, आगे क्या है, ही वाज वर्शिपर। अब देखिए वर्शिपर मतलब पुजारी, वर्शिप मतलब पूजा होती है हिंदू माइथोलॉजी में, माइथोलॉजी में धर्मशास्त्र। और जो प्रीस्ट होते हैं उनको पादरी कहते हैं, वो भी पुजारी हैं ईसाई धर्मशास्त्र के। यहाँ पे इस्लाम धर्म में मौलवी या इस प्रकार से रहते हैं, अपने अपने धर्मों का एक अपना अपना सिस्टम है। तो ही वाज वर्शिपर ऑफ पीस, अब ही के लिए तो वह है, लेकिन ही वाज वर्शिपर ऑफ पीस मतलब वे शांति के पुजारी थे। हिंदी में वे लिखेंगे, अब इंग्लिश में दे नहीं लिखने लग जाएंगे, तब ये भाव के अनुसार लिख लें, वे शांति के पुजारी थे। नोट कर लेंगे पॉइंट, आगे इसका अनुवाद हो गया ही वाज वर्शिपर पीस, पीस मतलब शांति, वर्शिपर पुजारी, वे शांति के पुजारी थे। अब देखिए ही रिगार्डेड द नेशनल फादर ऑफ इंडिया, नेशनल फादर ऑफ इंडिया या फादर ऑफ नेशन भी कहा जा सकता है उस वर्ड को, ऐसे भी लिखा गया दोनों क्रम में। तो राष्ट्रपिता, अब ही इज रिगार्डेड, अब देखिए यह सेंटेंस समझे जाना या समझे जाते हैं। अब देखिए वो ये मैंने बताया ना पैसिव का प्रयोग यहाँ पे है, वॉयस का, एक्टिव टू पैसिव वॉयस का, वे समझे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। तो पैसिव में बदलेंगे जब सेंटेंस को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सेंटेंस है तो पैसिव वॉयस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगेगी जब आप बनाएंगे उसको, हम समझा के उसको चलेंगे। जैसे मैंने उस दिन समझाया था कि ओके, जैसे मान लो लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, इससे अपरिचित है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो पैसिव में बनेगा ये, जब पैसिव में बनेंगे तो पैसिव में बनाने के लिए इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे, क्लियर, पैसिव के लिए।
एन एग्जिबिशन इज बीइंग हेल्ड इन लखनऊ, कहीं बगल में बल्कि नोट कर लिया, अच्छा सा सेंटेंस है, लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, वही नोट कर लें, लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, ओके यहां बगल में यहां नोट कर देना, उसको भी मिटा दूंगा। तो एन एग्जिबिशन इज बीइंग held in Lucknow, बहुत इजी वे में बन गया ट्रांसलेशन, an exhibition is being held in Lucknow, okay, लखनऊ में एक प्रदर्शनी चल रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और इसी पर बेस्ड, यस क्लियर, आपको बिल्कुल समझ, घर पे एक बार दोहराते जाइएगा उसी पैसेज को, फिर लिख लिया करिए, आप देखेंगे कि उस पर आपका बड़ा अच्छा सा काम कमांड होता जाएगा और कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा, यस क्लियर हुई बात, ओके। तो एन एग्जीबिशन इज बीइंग हेल्ड इन लखनऊ, ये हो गया, तो उसी प्रकार का अनुवाद है, पैस्यू पर बेस्ड है, ही इज रिगार्डेड, वे समझे जाते हैं, पहले समझ लें, नेशनल फादर ऑफ इंडिया, वे भारत के राष्ट्रपिता समझे जाते हैं, ये नोट कर लीजिए, वे भारत के राष्ट्रपिता समझे जाते हैं, वे भारत के राष्ट्रपिता समझे जाते हैं, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, नोट कर दीजिए उस पॉइंट पे। अब देखिए आगे की पंक्तियां हैं, अब जैसे ही डिड अलॉट, डिड अलॉट, अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड बनेंगे वहां पे, एग्जाम आप देखेंगे, आप सेंटेंस रहते हैं जिनके एक साथ मीनिंग को एडजस्ट करते हैं, जैसे सेंटेंस है आपका ना यहाँ पे, ही डिड अलॉट, अलॉट मतलब बहुत कुछ किया, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड रहेगा तो हमेशा पास्ट समझिए वो है, क्लियर, अभी चूंकि आप जुड़ रहे थे इसलिए मैंने उस सीक्वेंस में नहीं, वो जो लेक्चर में आगे खुलूंगा तो उसको उसी पॉइंट पे टेंस से क्विक वेरी, ताकि आपको आईएएस बढ़िया जब क्लियर हो जाएगा ना तो आपको समझने बहुत आसान होती जाएगी चीजें। ही डिड अलॉट मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, किसके लिए, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधारने के लिए, इम्प्रूव मतलब सुधारना, कंडीशन मतलब दशा, मीनिंग को समझते जाए दशा, तब यहां से अगर अर्थ लें तो दशा सुधारने के लिए, तो टू इम्प्रूव द कंडीशन, दशा सुधारने के लिए, अलग अलग जैसे उसको बना रहे हैं, फिर एक साथ जोड़ देंगे उस पॉइंट को, यस, किसके दशा सुधारने के लिए, दलित, यानी दलितों की, तो दलितों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने, नोट कर ले सेंटेंस को तो उस क्रम में आ जाएगा, उन्होंने दलितों की दशा सुधारने के लिए, उन्होंने दलितों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया, जस्ट वेट गाइस, यहां तक नोट हो गया सेंटेंस, उन्होंने दलितों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया, अब आपका ये सेंटेंस बन गया उस पॉइंट पे, अब उसी के आगे की लाइनें हैं, उसी के आगे का क्रम जो है क्या है, अभी आपने कहां तक का अनुवाद किया, एवरीबॉडी नोज दैट गांधी जी डिड नॉट लिव फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज वर्सीपर ऑफ पीस, ही डिड अ लॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हरिजन, उसके पहले एक और वर्ड था कि ही इज रिकॉर्डेड एज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया, ओके, फिर आगे ही फॉट विद द ब्रिटिशर्स, आगे की लाइन फुल स्टॉप के बाद आगे, ही फॉट F O U G H T, ही फॉट
विद द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. ही फॉट विद द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड इन दिस फाइट ही जो वेपन्स वर. अब देखिए सेंटेंस थोड़ा लंबा भी हो रहा है. एंड इन दिस फाइट हिज वेपन्स वर ट्रुथ मतलब सत्य, ट्रुथ एंड पीस. सेंटेंस टोल कर लें. नोट कर लेना इनको. ही फॉट विद द ब्रिटिशर्स इन इंडिया एंड इन दिस फाइट हिज वेपन्स वर ट्रूथ एंड पीस. अब जैसे क्रम पे आप बढ़ रहे हैं, उस क्रम के अकॉर्डिंग, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग अब सेंटेंस को जब आप लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी अगर प्रिपेयर हो रहा है तो हिंदी टू इंग्लिश भी आपका प्रिपेयर हो रहा है उसी के साथ में. जब हिंदी के जो घनीभूत पैसे जब आप लेंगे उस अनुवाद को, खंड को, तो बड़ा अच्छा सा तैयार और होता जाएगा. ऐसे बहुत सारे पैसेज आपको मिलेंगे. अभी तो मैं छोटे से क्रम पे लेके चल रहा हूँ इस पॉइंट पे. ओके, तो ही फाइट विद द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. अब देखिए फाइट का मतलब कि लड़ाई ही नहीं होती, उसको संघर्ष भी कह लें. कहाँ उसका प्रयोग करना है? अब फाइट है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. यस, यानी हमेशा जान लीजिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पास्ट को संकेत करता है. जैसे वह बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट. सिंपल सा सेंटेंस. उसने बाजार से वस्तुएं खरीदी, ही बॉट या ही परचेज्ड आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट. सिंपल सी बात. उसने किताब लिखी, ही रोट अ बुक. ओके, तो उसी क्रम में ही फाट विद द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स वाला अंग्रेजों से, यहां इंग्लिश भी लिखा जा सकता है. ओके, द इंग्लिश. तो ही फाट विद द ब्रिटिशर्स, उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया. अब युद्ध क्या, वो लड़ाई और बंदूक वाला तो था नहीं उनका. यहां पे वेपन्स वर्ड हुआ ना, यहां लिखा हुआ. पहले जैसे सेंटेंस आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसको छोटे छोटे क्रम में उसको विभाजित कर लें, पहले उनकी मीनिंग को एडजस्ट कर लें. इन इंडिया मतलब भारतवर्ष में, एंड इन दिस फाइट मतलब इस लड़ाई में या इस संघर्ष में. मतलब जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, यहां पे लिखा हुआ है. ये जो वेपन्स, वेपन्स मतलब अस्त्र शस्त्र. वेपन्स की हिंदी क्या हो गई? अस्त्र शस्त्र. क्या थे? ट्रूथ एंड पीस, सच्चाई और शांति. अब सबकी मीनिंग बन गई है. अब उसको एक क्रम के साथ लगाना है, आगे पीछे उसकी चीजें चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ही फाट विद द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, उन्होंने भारतवर्ष में अंग्रेजों से युद्ध किया. शुद्ध जो पॉइंट चल रहा है, नोट कर लें तब उसको हैंडल करिएगा साथ में. उन्होंने भारतवर्ष में अंग्रेजों से युद्ध किया. उन्होंने भारतवर्ष में अंग्रेजों से युद्ध किया और इस लड़ाई में, देखिए और इन दिस फाइट जो वर्ड लिखा गया, यानी और इस लड़ाई में उन्होंने भारतवर्ष में अंग्रेजों से युद्ध किया और इस लड़ाई में उनके अस्त्र शस्त्र और इस लड़ाई में उनके अस्त्र शस्त्र अस्त्र शस्त्र लिख लेंगे अस्त्र शस्त्र सच्चाई और शांति थे. और इस लड़ाई में उनके अस्त्र शस्त्र सच्चाई और शांति थे. क्लियर? अभी बात सामने निकल करके आई. He fought with the Britishers in India and in this fight his weapons were truth and peace. और इसको दो तीन बार घर पे भी जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा. You have to especially the practice in the point.
और जो भी पैसेज, हाँ एक चीज और बताता चलूँ, यही जो पैसेज अभी आप ले रहे बीच में इनका भी टेस्ट, इन्हीं पैसेज में से कोई पैसेज दे करके आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा उसी पॉइंट पे जो आपने भी सॉल्व किए हैं अभी जो पॉइंट पे, ठीक, उन्हीं के बीच से आपको कभी कभी बीच में रैंडमली, यस, आकस्मिक, ताकि हमेशा आप प्रिपेयर रहें उस पॉइंट पे। तो ऐसे बहुत सारे पैसेज आपको मिलेंगे, तो भी क्रम है उस पॉइंट पे। तो हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो चलेंगे इसको लेकर के, तो गाइस आगे की लाइन है इसमें जो पॉइंट आउट किया गया है, हिज फाइट हिज वेपन्स वर ट्रुथ एंड पीस, ओके, ही गॉट सक्सेस, अर्थात उन्होंने सफलता पाई, ही गॉट सक्सेस एट हिज एम ऑन 15th अगस्त 1947, ओके, ही गॉट सक्सेस एट हिज एम ऑन 15th अगस्त 1947। अब देखिए इसके क्रम में, ही गॉट सक्सेस, उन्होंने सफलता पाई, एट हिज एम, अपने उद्देश्य पर, कब, देखिए दिन तारीखों के लिए आन का प्रयोग, ऑन 15th अगस्त 1947, वो जिसे कुछ प्रीपोजिशन के जो प्रयोग वगैरह है ना उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे बड़े शहरों नगरों के लिए इनका प्रयोग होता है, एट और इन दोनों का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन छोटे के लिए एट का प्रयोग और बड़े के लिए इनका, जैसे सी लिव्स इन लंदन, कभी कभी क्या होता है जब दो शहर साथ में अगर हैं तो जो छोटा शहर हो उसके लिए एट लगा देंगे, बड़ा है उसके लिए इन लगा देंगे, लेकिन जब देखिए जैसे मान लो ही लिव्स इन दिल्ली, ये सेंटेंस है, लेकिन अगर आ गया ही लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, जबकि मैंने भी आपको बताया कि प्रीपोजिशन जो है इनका प्रयोग बड़े शहरों नगरों के लिए होता है, तो सी लिव्स इन दिल्ली या ही लिव्स इन दिल्ली, ये सही है, लेकिन अगर उसमें देश अगर जुड़ गया तो शहर के पहले कितना भी बड़ा शहर क्यों ना हो देश से बड़ा नहीं होगा, ओके, तो क्या करेंगे, जो शहर होगा कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसके पहले एट लगा देंगे और देश के पहले इन लग जाएगा, ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, ऐसे हो जाएगा, एक क्रम समझते रहे, तो ए नोट कर लीजिए, ही गॉट सक्सेस एट हिज एम ऑन 15th अगस्त 1947, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को, ऐसा ही रुक जाइए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी बड़ा अच्छा अनुवाद बन जाएगा, ऐसे तो सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1947 की, हिंदी अनुवाद इसका, 1947 की 15वीं अगस्त को, 1947 की 15वीं अगस्त को उन्होंने अपने उद्देश्य पर सफलता पाई, देख रहे हिंदी अनुवाद ऐसे बन गया बढ़िया से, 1947 की 15वीं अगस्त को उन्होंने अपने उद्देश्य पर सफलता पाई, ओके, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बढ़िया लिखते जाएंगे, अच्छा सा, अब क्योंकि दोनों में राइटिंग का भी क्रम बढ़िया होता जाए, और जैसे हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी की भी राइटिंग बड़ी अच्छी हो, तो दोनों की प्रैक्टिस बढ़िया से, ओके गाइस, तो आज यहीं तक लेक्चर रखते हैं इसको, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यू कैन फाइंड आउट इट ऑल, थैंक यू वेरी मच। आगे के क्रम में मैंने बताया ना, फिर इसके बाद में पैसेज आपका चलता रहेगा और टेंस भी चलता रहेगा, ठीक, ताकि पैसेज आप रेगुलर आप उस प्रैक्टिस में रहें, ठीक है ना, थैंक यू, कुछ करेंगे।